देशवासियों की एक याद सरकार मुर्दाबाद, याद सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं तनु बौद्ध, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर बटाला से है, जहां धर्मपुरा कॉलोनी के विश्वामित्र सेकरी मार्ग की दयनीय हालत को सुधारने के नाम पर प्रशासन की ओर से की जा रही लीपापोती पर लोगों का गुस्सा फिर से फूट पड़ा। लोगों ने यहां से हो रही सड़क निर्माण कार्य पर आपत्ति जताते हुए निर्माण कार्य रोक दिया। जिला प्रशासन के खिलाफ अनिश्चित समय के लिए रोष प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं गुस्साए लोगों ने कुछ दिन पहले सेकरी मार्ग पुनः निर्माण को लेकर सरकार के नुमाइंदों की तरफ से रखे गए नींव के पत्थर भी उखाड़ फेंके। यह है कि इलाके की हालात सुधारने के लिए पिछले दिनों धर्मपुरा कॉलोनी वासियों को की ओर से प्रदर्शन शुरू किया गया था। लोगों के गुस्से को देखते हुए कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा, सांसद सुनील जाखड़, जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उक्त कॉलोनी में लोगों से मिलने पहुंचे थे और कॉलोनी के हालात सुधारने का आश्वासन भी दिया था। साथ ही जाखड़ ने अमृत योजना के तहत 130 करोड़ रुपए देने की बात भी कही और अब कॉलोनी की सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया है, लेकिन कॉलोनी वासियों ने फिर से रोष प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि सड़क बनाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जो व्यर्थ ही बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि कॉलोनी की मुख्य परेशानी सीवेज की है, जो ठीक नहीं की जा रही, उसके बाद सड़क निर्माण किया जाए। लोगों का कहना है कि सड़क बनाने के नाम पर सरकार के नुमाइंदे सिर्फ कॉलोनी वासियों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। जब तक सीवेज की समस्या का हल नहीं निकलेगा, तब तक सड़क नहीं बनने दी जाएगी और हमारा रोष प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। साथ ही हम होने वाले सांसद चुनावों को भी बायकॉट करेंगे। प्राइम न्यूज 24 के लिए विकी मलिक की खास रिपोर्ट। आज इतने धरना किया वा ठेकेदार के खिलाफ भी और प्रशासन अधिकारी जेडे लगे हुए अगे, जिन्हां ने आके इन्हां दीआं समस्यावां सुनियां पर अखों ओले करके चले गए ने। फॉर्मैलिटी हुई, कुछ लीडर्स आए, कुछ मंत्री आई, आए हाई लैवल दी अथॉरिटीज़ आईया, इंट्रोड्यूस करवाता लोगों नूं, थोड़ा ठहराव आ जाए, लोगों का जिहड़ा जोश है वह ठंडा हो जाए, वह करके तो चले गए। हुण ठेकेदार सड़क बनाएगा, ठेकेदार नूं इह अप्रोच करके अपनी समस्या शेयर करदे आ, उस उन्हां नूं तैयार नहीं है, तो होया कि कुछ भी नहीं, रिजल्ट की है, नथिंग। तो जड़े भी अधिकारी टीम उपर साड़ी नाल अटैच हुई है, जड़े इंजीनियर नाल आए सन, वो सारे इन्हां दे नाल दोबारा तो मीटिंग करन, ते जो इस एरिया दे लोग डिमांड करदे आ उहदे वल ध्यान दित्ता जाए। इलैक्शन बाईकाट दा सारिया ने निर्णा लिया वा, इस तो इलावा फिर जनता जदों अपने हाथ विच कमान ले लेगी ना, फिर अधिकारियों नूं अहीं पिछे कर दांगे, अहीं देखांगे कि अपने एरिए नूं अहीं किवें सुधारना। असीं सारियां लेडीज़ जिहड़ियां वा अज फिर अपना कारोबार, घर दा काम सारा छड्ड के इत्थे बैठे दे आ और इत्थे लीडरां नूं हथ जोड़ के बिनती करके देख ली सारियां नूं, लेकिन साडी किसे ने सुनवाई नहीं कीती, साडी कोई गल नहीं सुनदा पिया, इन्हां कोल नहीं कोई काम हुंदा, ते इह वी सानूं हथ जोड़ देण कि इन्हां कोल साडा मसला हल नहीं होणा, क्योंकि इह गटर जिहड़ा नवां पाणा पैणा इन्ना रुपया आ, इह कहिंदे जी उह असीं जिथे नहीं गटर उत्थे पाणा वा, ते साडी कलोनी दा जिहड़ा गटर टुट चुका वा, असीं अपनियां कोठियां नवीं बना डे आ, बार बार लोग बेचारे रिपेयर करा के उच्चियां कराते पे, ते ए दुबारा गटर क्यों नहीं पैना, केड़ा शहर आ जिथे दुबारा पुराना गटर टुट जाए ते उनू नवा नहीं पाया जांदा, मैनू ए दस्या जाए। हर शहर दे विच घटो घट 5-10 सालां बाद देखिया जांदा वा कि गटर बह चुका वा, इनू नवा बनाना वा। हुण जदों इन्हां ने सफाई दीआं मशीनां भेजीआं तां वी थल्लों गार निकलनी शुरू हो गई, मिट्टी रेत आ रही सी, उह वी कह के गए आ कि इह गटर बह चुका, साडे हथ दे विच इहदा कोई हल नहीं हैगा, ते फिर उहनां नूं क्यों नहीं पता लगता पिया साडे जिहड़े उपर पतवंते आ कि इह दुआरा गटर पाउणा पैणा है, इह समस्या दा हल इत्थे ही निकलना, सड़क बनाउण नाल समस्या दा हल नहीं निकलना। असीं मानते हां कि सड़क बना के करोड़ां रुपए लग जाणगे, लेकिन जदों पानी थल्ले होएगा करोड़ां रुपए रुड़ जाणगे, ते उस पानी नूं रोकण लई गटर पाउणा पैणा, ते पहलों गटर पाओ, ते साडा इही हत्थ जोड़ के बिनती, जे नहीं इह कर सकदे ते सानूं मसला दे देण। असीं धर्मपुरा कलोनी जिद्दां कि पहलों वी सानूं कहा गया लीडरां ने कि करोड़ां रुपईए ला के तुसीं कोठियां पाईआं ते सड़क वी बना लो, इह सानूं इक वारी हत्थ खड़े कर देण, दस देण कि असीं नहीं करना, फिर साडे कोल कोई इलैक्शन ते वोटां लैण ना आए। असीं सारे धर्मपुरा कलोनी वासी इह सोच लिया वा कि असीं मिल के पैसे इकट्ठे करके इह गटर वी पवा लांगे ते फिर उत्ते सड़क वी बना लांगे, पर साडा इहनां नाल पूरा बायकाट आ। इस धर्मपुरा कलोनी च असी मतलब कि छोटे छोटे सीगे जदों दे आके असी इत्थे रहिंदे पए आ, ठीक है, ये सारा कुछ साडे सामने होया, मकान बने आ, उस तो बाद की होया जी, मकान आए आ, सरकारां आउंदियां गईआं,
काम चलते गए हैं। सड़क गलिया के उत्ते गलिया बना देनिया, कोई पुट के नहीं बना सड़क के उपर सड़क। ए वाली जी सड़क से अं खड़े हाँ, ये सड़क का मतलब कि बनने वास्ते प्रपोजल आई सरकार ने शुरू करना सगा, ठीक है। वो सा रोस सिर्फ इन्ना गया, पहली तो गल भी ये जी सड़क का मेन सीवरेज हैगा वो सारा का सारा सीवरेज ही खत्म है। किस्म ये शार्क मशीन या दूसरिया तेसिया मशीन लिया के आते हैं उत्ते लिपा पोती करते चल जाते हैं। सिर्फ लोगों को एक जिदा मतलब कि मैडम उन्होंने पहले कहा कि बच्चे लॉलीपॉप या टॉफी दे के भी चलो जी ठीक है जी ठीक ठीक है जी। दूसरी गल ये इस शारक मशीन जोड़ा बंदा लिया के आया सी उहदे विचो एक अधिकारी ने कहा भी ये जिहड़े सारे दे सारे सीवरेज हैगा बिल्कुल खत्म हो चुके आ, पानी अगे जाता नहीं आ, वह गार बनी जाती है, वह गार जी अगे फस जाती है, पानी निकलता नहीं। पहली तो साड़ी मंग यह है कि यह जो सीवरेज हैगा वा सारा का सारा वड्डा इस सड़क पर नवा पैना चाहिए, ठीक है। दूसरी जी इन्हों की सड़क हैगी बनाने आपां नूं कोई दिक्कत नहीं हैगी, सड़क जी साडे वास्ते बननी आ, पर अं ये प्रशासन को कहना चाहते भी जे तुम इन्ना कुछ करके भी सारा कुछ कर करा के भी वो सड़क तुम साढ़े फायदे वास्ते बनानी, जे वह सानू नुकसान होए तो फिर साढ़े वास्ते बनाने ऐसी सड़क कोई जरूरत नहीं हैगी, ठीक।